ये है ईशान टेक वर्ल्ड की कहानी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने अपने चैनल पर वीडियो डाली 2017 में, और आप देख सकते हो 2017 में मैं इस तरीके का दिखता था। उसके बाद में मैंने दूसरी वीडियो डाली यहाँ पर। अब यहाँ पर जब मैं अभी भी अपने आप को देखता हूँ तो यकीन नहीं होता था कि सही में ये मैं ही हूँ जो ये वीडियो बना रहा है मोबाइल लेके। उसके बाद में सबसे पहली अनबॉक्सिंग वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, वैसे अच्छी वीडियो थी, वो बात अलग है कि किसी ने देखी नहीं, ना ही हमने देखी फिर कभी पलट के। बाद में फिर मैंने नेचुरल सेटअप में वीडियो डाली, हमने अपने यूट्यूब पे भी बहुत मेहनत करी, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिजिक हमारी वही की वही रही, बल्कि और ज़्यादा बढ़ती गई। मतलब जो हमारे फिजिक का बढ़ने का ट्रेंड था वो बढ़ता गया, ग्रोइंग, मोर ग्रोइंग। अपने चैनल पे तो हम मेहनत बहुत करते थे क्योंकि हमारा टेक्निकल चैनल है, तो इसलिए सेटअप चेंज कर करके हम वीडियो जो है ना वो बनाने लगे, वीडियो की क्वालिटी अच्छी करने लगे, लेकिन हमारी जो फिजिक थी वो फूलती गई। यहाँ पर जो मेरा वेट था वो 103 kg, और उसके बाद में मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं फिजिक के ऊपर भी जो है ना अच्छे से यहाँ पर काम करना है। फिर मैंने कंटिन्यूसली जो है ना वो वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, और तब से लेके अब तक जो ना हमारा वर्कआउट चालू है। साथ में मैं YouTube पे वीडियोस भी डालने लगा, और जो मेरी वीडियो की क्वालिटी है उसको और अच्छा करने की कोशिश में लग गया। उसमें भी जो ना हमारा स्ट्रगल कंटिन्यू था, अब रेगुलर वर्कआउट जो हम करते थे किसी भी हालत में, और रेगुलर जो अपने चैनल के ऊपर वीडियोज डालते थे, क्योंकि दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। इसी हिसाब से डेली बेसिस पे हमारा वर्कआउट रहता था कंटिन्यू, और डेली बेसिस के ऊपर जो ना वो हमारे चैनल के ऊपर वीडियोज आती थी। और फाइनली रिजल्ट्स आपके सामने हैं, हमारी वीडियो क्वालिटी का भी और हमारे वर्कआउट का भी। तो गाइस, जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो मोटिवेशन ही है, ताकि आप जो ना मोटिवेटेड रहें इस तरीके की वीडियोस देख के, और उसके बाद में हमें भी जो ना दोस्तों वो मोटिवेशन मिले। वो कैसे मिलेगा, ताकि आप जो ना हमारी वीडियोस को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें ऑब्वियसली बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरीके की वीडियोस हम दे सके। अब यहाँ पर डेडिकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों, कोई भी काम में आप हो, कोई भी फील्ड में आप हो, अगर आपको उसके सक्सेस तक पहुँचना है, अगर आप उसमें आपको कामयाबी चाहिए, तो उसमें डेडिकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। यहाँ पर जो मेरा 2 साल का स्ट्रगल है, जो 2 साल के मेरी हार्डवर्क है, उसको मैंने 2 मिनट में आपको बताने की कोशिश करी है। वैसे जो 2 साल का हार्डवर्क है वो मेरा सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड है। जब मैंने सोचा था कि यार नहीं, मुझे थोड़ा चेंज करना है अपने आप को, अगर मैं बात करूँगा दोस्तों यूट्यूब की, तो वो मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। 3.5 साल से जो है ना दोस्तों मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ डाल रहा हूँ, वो भी प्रॉपरली रेगुलर वीडियोज़ डाल रहा हूँ। और गाइज़, इस वीडियो में मैंने दोनों ही चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से स्टार्टिंग से हमने अपने वीडियोज़ में भी जो है ना वो क्लैरिटी लेके आई, वीडियोस में भी अपने आप को जो है ना वो कितना इंप्रूव किया है, और उसके साथ ही साथ में हमने फिजिक में भी जो है ना दोस्तों वो कितना ज्यादा इंप्रूव किया है। तो गाइस, आपको अगर जरा सा भी इस वीडियो ने मोटिवेट किया है तो प्लीज आप जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। आपके जो भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग अकाउंट है वहां पर आप जाके शेयर कर दीजिए। वही बात हो गई मोटिवेशन वाली, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि और ज्यादा जो है ना दोस्तों आपके लिए इस तरीके की वीडियोस ला सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अपने वीडियो में। जय हिंद।